नमस्कार दोस्तों, खबर टीवी के इस चैनल में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन आज एक ऐसा सब्जेक्ट बनने लगा है जिस पर सबकी नज़र है, किसी की पैनी है और किसी की आलोचनात्मक। लेकिन सभी लोगों को इस बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौंका दिया। एक ही रात में जब फैसला हुआ कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा जिसके तहत वन नेशन वन इलेक्शन का जो फार्मूला तय हुआ है, जिसकी जो कमेटी बनी है उसके अंदर विचार करना है और उसी के तहत हमें देश में चुनाव भी कराने हैं। यह उस समय की बात है जब मुंबई में विपक्षी दलों का इंडिया अलायंस का अधिवेशन चल रहा था। सब ने बड़ी ही तीखी आलोचना की। केजरीवाल ने कहा कि यह क्षेत्रीय दलों से इतने घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आज उनको नए फार्मूला ईजाद करने पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव कराना है तो सबसे पहले यूपी में करा के देखें और हमें इतना विश्वास है कि इस बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनका इशारा घोसी चुनाव भी था जहाँ पर उपचुनाव होने हैं। उनका कहना था कि आज जनता उब चुकी है महंगाई से, बेरोजगारी से और दूसरे तरह के करप्शन से, इसलिए आज जनता के पास एक मौका है कि वह अपने विवेक का इस्तेमाल करे और देश को एक नई सत्ता को सौंपे। केजरीवाल ने कहा कि हम मानते हैं कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपनी हार स्वीकार कर रही है। राहुल गांधी भी अपनी बातों में वन नेशन वन इलेक्शन का नाम लिए बिना कहा कि यह गलत है और इससे क्षेत्रीय दलों को मिटाने का काम किया जाएगा। क्षेत्रीय दल आज भी देखा जाए तो बिल्कुल ही प्रबल हो चुके हैं और देश में राष्ट्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बड़ी ज़ोरदार टक्कर दे रही हैं और उसके बिना आज किसी को भी सत्ता में काबिज होने का लगता नहीं है कि दूर दूर तक कोई रास्ता दिखता है। इसी तरह अगर हम जो चार राज्यों के चुनाव होने हैं, अगर लोकसभा के साथ ही इन राज्यों में चुनाव कराए गए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलेगा और इस बात को विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग भली भांति जानते हैं और इसलिए कहीं घबराहट भी है। लेकिन अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो जिसके अध्यक्ष बने हैं पूर्व राष्ट्रपति कोविंद, और अगर यह पूरी तरह से अमल में लाया गया तो निश्चित रूप से इस लोकसभा के चुनाव में जो 2024 के होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को एज मिलेगा और विपक्षी दलों को कहीं न कहीं तैयारी करने का वक्त नहीं मिलेगा। चर्चा बड़ी जारी है और लोग इस पर मंथन कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। धन्यवाद दोस्तों।